एवरीवन, वेलकम टू गोल्डीज टेस्टफुल किचन। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए आटा ब्रेड वाले सैंडविच और वेजिटेबल्स हैं, और वो तवे पर कैसे जल्दी से बनाते हैं आइए मैं बताती हूँ। तो ये देखिए, मैंने चार ये आटा ब्रेड ली है, चार पीस लिए हैं। ये मैंने प्रोसेस चीज लिया है क्यूब्स वाला, दो स्लाइस लिए हैं मैंने, दो क्यूब ली हैं। उसको एक को मैंने ऐसे ग्रेट कर लिया और हम देखते हैं कि कितना हम यूज करेंगे। इसके बाद मैंने एक बड़े प्याज को बारीक काट लिया है, एक हरी मिर्च को काट लिया है, एक शिमला मिर्च को बारीक काट लिया है, थोड़े से कॉर्न लिए हैं, इसमें से कुछ हम गाजर यूज करने वाले हैं जो मैं चॉप करके रख लेती हूँ ऐसे फ्रेश रैप में पैक करके। बटर है रूम टेम्परेचर पर, और यहाँ मैं आपको दिखाऊं, मैंने ये पिज्जा एंड पास्ता सॉस लिया है टेस्ट एनहेंस करने के लिए। ऑरिगेनो है, ये हमने रेड चिली फ्लेक्स लिए हैं, थोड़ा चाट मसाला है और टोमेटो केचप है। तो आइए करते हैं स्टार्ट। ये हमने टोमेटो केचप लिया है, अब हम करते हैं बढ़िया से यमी से सैंडविच स्टार्ट। तो अब हम इसमें डालेंगे प्याज जो हमने चॉप करके रखी है, कॉर्न ये बॉईल करके रखे हुए हैं, ये शिमला मिर्च, और थोड़ी सी हम लेंगे इसमें गाजर। सारे कलर हम यूज कर रहे हैं। हरी मिर्च आप अपने मन के हिसाब से डालिए, आप अगर पसंद करते हैं तो डालिए, मैंने इसमें एक डाली है। आप सीड रिमूव करके भी इसको यूज कर सकते हैं। नमक हम बताना भूल गए थे, नमक भी स्वाद के अनुसार, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिए और जो भी डिस्क्रिप्शन में इंग्रेडिएंट्स हैं उनको भी देखिए, क्योंकि मैं उसमें कोशिश करती हूँ कि पूरे इंग्रेडिएंट्स डालूं। और ये हमने लिया है ऑरिगेनो, चिली फ्लेक्स, बच्चों के लिए बना रहे हैं तो चिली फ्लेक्स अवॉइड करें, ये सब टेस्ट के हिसाब से आप डालिए। अब हम करते हैं इसको मिक्स। बड़ी अच्छी सी ये फिलिंग बनकर तैयार होगी और इसमें बाइंडिंग आ जाए तो मैं एक जो क्यूब हमारी बची है इसको भी हम ग्रेट करते हैं। अब मैं करूंगी इसको हाथ से मिक्स। इसको हाथ से मिक्स करेंगे और यहां हम टेस्ट करके देखेंगे कि नमक या ये सब बराबर है, जो भी आपने मसाले डाले हैं वो आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग हैं क्या। तो ये देखिए, ये हमारी फिलिंग जो है वो बनकर तैयार हो गई है। थोड़ी डालेंगे हम ये पिज्जा सॉस, पिज्जा एंड पास्ता सॉस, और इसको भी अच्छे से करते हैं मिक्स। तो सबसे पहले लेंगे हम ब्रेड और उस पर लगाएंगे हम बटर। बटर हम दोनों तरफ लगाएंगे, सेकते हुए भी हम बटर यूज करेंगे और इधर भी हम दूसरी तरफ भी, जो नीचे वाली ब्रेड है उसके दूसरी तरफ भी हम बटर लगा लेंगे। बटर लगाना आसान हो जाता है अगर वो रूम टेम्परेचर पर है। तो ये लगा लिया है हमने बटर। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फैमिली फ्रेंड्स में, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरी लेटेस्ट अपडेट्स जो हैं वो आप तक पहुंच सकें। ये हमने ली है टोमेटो केचप, इसको भी हम अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। चारों तरफ से कॉर्नर तक हमें लगाना है ताकि सैंडविच में हर बाइट में इसका टेस्ट आए, ठीक है ना। अब हम इसमें लगाएंगे ये फिलिंग जो बहुत यमी है, और ये थोड़ी क्रंची अच्छी लगती है इसमें, इसलिए मैंने इसको फ्राई नहीं किया है, बारीक काटा है बस। अब हम रखेंगे इसके ऊपर ये दूसरी ब्रेड और इसको रखते हैं तवे पर। तो जो बटर की साइड है ना उसको हम नीचे रखेंगे और मीडियम इसको रखेंगे, गैस को ना मीडियम रखेंगे, और ऊपर से भी हम इसको बटर लगा देंगे। तो ये बहुत यम्मी, बहुत क्रिस्पी बनने वाले हैं। तो ये देखिए, इस तरह से हमें ये थोड़ा सा प्रेस करके सेकना है चारों तरफ से बटर लगा के, और आप भी ट्राई कीजिएगा और मुझे ट्राई करके बताइएगा कि आपकी रेसिपी कैसी बनी है। तो इस बीच हम दूसरा सैंडविच भी तैयार कर लेते हैं,
और इस सैंडविच में हमने सेम प्रोसीजर लिया है, लेकिन इसके ऊपर हम ये चीज स्लाइस एक चीज और ऐड कर रहे हैं, और इसको भी हम रखेंगे अब तवे पर। तब तक हम इस सैंडविच को देख लेते हैं, ये हमने रख दिया है, अभी इसके ऊपर हमने बटर नहीं लगाया है, और क्योंकि फीलिंग हमारी सब्जियों की है तो वो निकले ना, इसलिए आपको ये थोड़ा सा हाथ का सपोर्ट देके ध्यान से इसको पलटना है, ऐसे ऐसे। और ये देखिए क्या क्रिस्पी सैंडविच बना है, आप भूल जाएंगे टोस्टर में बनाना, सैंडविच मेकर में बनाना। देखिए लग रहा है ना यमी, तो इसको भी सीखने देते हैं, चीज ज्यादा पसंद है तो ये खाइए, कम पसंद है तो ये खाइए। और इस पर भी लगाते हैं हम ये बटर, बटर घी किसी में भी आप सेक लीजिए, बस हल्का सा क्रिस्पी करने के लिए। ये देखिए, और हल्का सा हम करेंगे प्रेस, प्रेस करने से क्या होता है कि वो थोड़ा सा फीलिंग उसके साथ चिपक जाती है ब्रेड के साथ। और ये मैं आवाज सुनाऊं आपको, जो क्रिस्पी सैंडविच है, इतना क्रिस्पी सैंडविच बना है। और दूसरा सैंडविच भी हम पलटेंगे ध्यान से, ये देखिए परफेक्ट, बहुत ही बढ़िया। तो दूसरी तरफ से सीखने के बाद हम करते हैं इसकी प्लेटिंग। तो ये देखिए, ये दोनों तरफ से बराबर सीखे हैं, क्रिस्पी एकदम। तो अब हम करते हैं इसको कट, किसी भी शेप में आप कट कर लीजिए। ये देखिए आवाज, और आप ब्रेड नाइफ रखिए ये सैंडविच वाला, तो इससे बहुत आसानी से कट जाते हैं। और ये देखिए, अब हम दूसरा आपको दिखाते हैं। ये देखिए, इसमें चीज ज्यादा है, ये काफी चीजी है, आप क्लोजअप करके देखिए, बहुत ही यम्मी। अब ये आप देखिए, ये देखिए चीज फुल ऑफ चीज है, ये देख रहे हैं ना आप, बहुत बढ़िया। तो ट्राई जरूर कीजिएगा। हाँ, इतना है कि आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग उसके मसाले वगैरह आप एडजस्ट कर सकते हैं, जैसा आपको टेस्ट चाहिए वैसे आप मसाले बना सकते हैं। तो मेरे ये यमी से सैंडविच आशा करती हूँ आपको पसंद आने वाले हैं।